हेलो राइस, एक और माइंड ड्रॉप स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माइंड ड्रॉप एक ऐसा गेम है जहाँ पे आप अपने सपनों की दुनिया बना सकते हैं। आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, आइलैंड बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम जिन क्रिएटर को बुलाने वाले हैं, उन क्रिएटर ने ना ही अपने फनी वीडियोस से ऑडियंस का दिल जीता, बल्कि यूट्यूब की दुनिया में अपना एक नाम भी बनाया है। सोलो वीडियोस बना के 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पर कमा के ये शख्स माइनक्राफ्ट में जाने माने हस्ती बन चुके हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं उनका, जिन्होंने अपने फनी वीडियोस से, क्रिएटिव वीडियोस से ऑडियंस का दिल ही नहीं, उनका तन मन सब जीत लिया है। तो आइए हम और आप स्वागत करते हैं गेमिंग इनसेट का पॉडकास्ट विद कुणाल में, बिकॉज इट्स आवर पैशन एंड योर एंटरटेनमेंट। ये वीडियो और ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। लव यू। खाली रूम में मजा आता है एक्चुअली। वेलकम टू पॉडकास्ट विद कुणाल, आपका स्वागत है भाई आज के इस पॉडकास्ट में। अरे थैंक यू सो मच। मुझे जानना है आपका पहला पॉडकास्ट है या इससे पहले भी आप नहीं कहीं जा पाए, किसी और पॉडकास्ट में आप जा चुके हो अब तक? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लग रहा है? आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये वन स्पॉट ईशान जो है बहुत बड़ा नाम अब हो चुका है। हाँ भाई का नाम तो अब लिटरली बहुत बड़ा है, क्योंकि मिथपैट, डीसी गेमर्स, इनके साथ वो उनका उठना बैठना, राइट, दे आर फ्रेंड्स। या उस लेवल तक पहुंचना अब के माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, जो गिने चुने ही हैं जो चीज जानते हैं, जैसे बिट्सू वगैरह हो गया, लेकिन अभी बल्कि स्टार वगैरह, दे आर गुड, नो डाउट, बट वो उस लेवल तक पहुंचे नहीं है जिस लेवल तक आप धीरे धीरे पहुंच रहे हो। तो अभी कैसा? अरे एक्चुअली फील तो देखो, फील तो आई मीन सबको ही अच्छा लगेगा ना, लाइक ऐसे जगह पे जो आएगा सबको ही अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे सीन एक्चुअली क्या है कि लाइक जो ईशान भाई है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसके बाद माइनक्राफ्ट में, जब मतलब धीरे धीरे मैं माइनक्राफ्ट ना, पहले मुझे जो सबका होता है कि माइनक्राफ्ट यार ये ब्लॉकी गेम क्यों खेलूं मैं, इसकी ग्राफिक्स नहीं है, है ना, ये क्यों ही खेले हम। लेकिन उसके बाद जब मुझे गेम समझ आया, मैंने उज्जवल भाई को, मतलब टेक्नो गेमर्स को देखा, तब समझ आया गेम क्या है नहीं है। एंड फिर उसके बाद बनाने लगा तो गेम प्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने वो माइनक्राफ्ट का जो ग्राफिक्स नहीं होता, मैंने देखा खतरनाक ईशान जो है, ईशान भाई, उन्होंने इतना मस्त ग्राफिक्स, मैंने बोला ये कैसे हुआ, मुझे भी जानना है। तो मैंने थोड़ा गूगल किया, मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज होता है शेडर टेक्सचर, तो मैंने उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाया, ठीक है। तो मतलब तुम समझ रहे हो कि लाइक मतलब वो चैनल के स्टार्टिंग से आपकी इंस्पिरेशन रह चुके हैं। नहीं, इंस्पिरेशन तो है ही, बट अलग बात ये है कि मैं मतलब ईशान भाई के नाम लेकर वीडियो बनाता था उनके नाम पे, एंड अभी लाइक एक साल बाद मैं उनके साथ एक कोलाब काइंड ऑफ वैसा वीडियो बना रहा हूँ, लाइक तो ये मेरे लिए कैसी रही थी वो आपकी वो, अब तो लिटरली मजा ही आया, वो था सीनियर आइडल, एक तरीके से आपने उनको आइडलाइज करा कि हाँ भाई इसके तरह बनाना है वीडियो। जैसे कि आप, मैं देखो अभी मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो पियर बाइसेप की तरह ही करने का मेरा एक गोल रहता है कि भाई करना है तो इस बंदे की तरह यार स्टूडियो वीडियो हो, तो जितना रिसोर्सेज है उसमें ही अभी काम चल रहा है, दुकान चल रही है, तो आपने अपनी जर्नी उस हिसाब से करी रहेगी, राइट, उस जर्नी चलाए रहेगा। बट अब आप चुके हो, उनके साथ वीडियो बना रहे हो, आपकी जान पहचान हो चुकी है, तो बताने जब उनका रिएक्शन क्या था, उनको बताया आपने
उनको, हाँ उनको बताया, इवन जब मैंने बताया तो ईशान भाई मेरे को बोल रहे थे कि अरे भाई मैं तुमको बहुत पहले से आई मीन तुम्हारा वीडियो देखा था वो ग्राफिक्स एंड ऑल इसके ऊपर, तो मुझे उस पे लगा कि अरे भाई ये तो मेरे को थोड़ा सा पहले आई मीन थोड़ा बहुत जानते थे कि हाँ ऐसा कोई है एंड ऑल, तो लाइक उसके बाद जब आए थे ना वो VCN बात किया था ना बहुत हम्बल है, लाइक ऐसा वो है ही नहीं कि इतने उज्जवल भाई उनका दोस्त लगा ही नहीं, लाइक ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त है, लाइक तो ऐसे उनकी बिहेवियर थी जो कि बहुत हम्बल तो अच्छी थी। है प्लस प्रैक्टिकल बहुत है हर चीज। हाँ, वो तो डेफिनेटली लाइक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये जर्नी कैसी रही भाई आपकी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं मैं देखो माइनक्राफ्ट जब से मैं ये पॉडकास्ट शुरू करा है तो इनिशियल फेजेस में मेरे माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स को ही होस्ट करना, मैंने सोचा कि यार चलो इनको होस्ट करते हैं, बट काफ़ी मैंने देखा कि यार जो कि माइनक्राफ्ट के कुछ यूट्यूबर्स हैं जैसे बासु प्लेस हो जाए, बल्कि स्टार हो जाए, स्टीव विन, एमसी फ्लेम, ये सारे अच्छे इनके वीडियोज ट्रेंडिंग वगैरह में आते हैं, ये लोग विश्वास रखते हैं एक साथ वीडियो बनाने का, लाइक वो ATSMP में खेलते और एक साथ बनाते हैं, बट आपने आज तक कभी उनके साथ खेला नहीं है, एक स्टैंड अलोन लेजेसी अपने अपने बना रखी है, स्टेबल ग्रोथ अपने बना रखी है, इस वजह से आपको देखा जाए ना भाई तो आपको जो ऑडियंस मिलती है ना उतनी लॉयल ऑडियंस बहुत मुश्किल है, कि आपके सब्सक्राइबर जितने उतने आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करा ये, कैसे करा देखो ये तो मैं कैसे बताऊँ, बट ये तो आई मीन ऊपर वाले की कृपा है, ठीक है, बट मेन बात ये है कि लाइक मैं ना बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ BBS से, ठीक है, बेस्ट वर्जन भाई, सब लोग उस बंदे से इंस्पायर्ड है, मैंने आज तक जितने भी पॉडकास्ट करे सब लोग, क्योंकि अब मैं क्यों इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि वो एक ऐसा बंदा ना, ऐसा नहीं कि कोलैब करने में या साथ में करने में इंटरेस्ट नहीं है, डेफिनेटली इंटरेस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट है कि लाइक खुद का कुछ करे, लाइक जो ऑडियंस है ना वो सिर्फ आए तो मतलब मेरे को देखने के लिए या इवन मेरे कंटेंट को देखने के लिए, या इसका स्ट्रांग मैं एग्जाम्पल दूँ तो लाइक मैं अभी अगर किसी यूट्यूबर के नाम पे या यूट्यूबर के साथ लाइक ये कोई आई मीन मैं नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जब वो तो लाइक ट्रेंडिंग पे भी गया था जब मेरा चैनल वायरल होना स्टार्ट हुआ, तो वीडियो ट्रेंडिंग पे भी गई थी वो टॉपिक, तो वो था ना कि आई बिकम अ टेक्नो गेमर्स टू ट्रोल माई गर्लफ्रेंड एंड ऑल, तो मैं उस टाइम पे मेरे हर वीडियो मिलियन जा रहे थे हर वीडियो, तो जब मैंने टेक्नो गेमर्स का नाम लेके करा ना, ऐसा नहीं कि वो लोग देखना नहीं चाहते कि टेक्नो गेमर्स को, डेफिनेटली मेरे से लाख गुना ज्यादा उज्जवल को देखना चाहते हैं ना, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन क्या है कि मैं अगर किसी के नाम पे या किसी और यूट्यूबर का नाम लेके करता हूँ ना वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, आई मीन समझ रहे हो कि वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते जितना मेरे कंटेंट में लेते, क्योंकि मैं मेरे का आया था कुछ 6 लाख व्यूज एंड वहां पे रुक गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो डाला था उस पे 1.2 या 3 मिलियन व्यूज गया था, एंड वैसे वैसे तो लाइक मेरे जो कंटेंट है ना तो मैं उसी पे फोकस करता हूँ कि लोग आए तो मेरे उस पे आए ना, तो उससे एक ऑर्गेनिक ऑडियंस भी बनती है, तो इस तो साथ में करने का है नहीं, अब ये नहीं बोलूंगा डेफिनेटली है, बट मैं उतना नहीं करता, लाइक मैं मेरे इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ये मेन बात। कैसा फील जैसा होता है जब इतनी ऑडियंस है, क्योंकि आपके एक मैसेज के बाद तो ये आपका डिस्कॉर्ड सर्वर तो भर जाता है लोगों की मैसेज से, तो कैसा फील जैसा होता है इतना प्यार मिलने के बाद? फील तो देखो डेफिनेटली भाई अच्छा ही होगा, क्योंकि एक टाइम पे लाइक 10,000 सब्सक्राइबर के बाद मेरे चैनल पे 10 व्यूज आते थे, ऐसा डेड हुआ था चैनल, यही चैनल तो इस चैनल को 10,000 10 व्यूज से आई मीन 10 लाख व्यूज तक पहुंचाने में आई मीन किसी को भी बहुत अच्छा लगता है, लाइक एज अ ड्रीम टाइप। इतने कम व्यूज भाई, बहुत मुश्किल से आए हो यार अब तो। लाइक 10 व्यूज आते थे, वो भी 2-3 दिन में 10 व्यूज 20 व्यूज ऐसा होता था, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, डिमोटिवेशन तो बहुत हुई होगी आपको फिर। अरे भाई बहुत ज्यादा, बट जहाँ पे लाइक डिमोटिवेशन या डाउनफॉल रहता है ना वहाँ से लाइक बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं ना, वो सब रहती है, तो इस वजह से लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला, एल्गोरिदम क्या होता है यूट्यूब का वो जानने को मिला, एंड वहाँ से मैंने लाइक थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन बनाया, फिर एक डायरी में लिखा कि अच्छा ऐसे ऐसे करके इस टाइम पे वीडियो डालूंगा, और एक आई मीन मेन बात है जहाँ पे अगर ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए भी जो यूट्यूब पे वीडियो भी डालना चाहते हैं या डाल रहे, लाइक मैंने ना एक टाइम को पकड़ लिया था, यूट्यूब कभी बोलता नहीं कि कोई टाइम ऐसा पर्टिकुलर होता है, ठीक है, बट एक लाइक टाइम होता है मैंने पकड़ लिया था, वो मैं एक साल से ज्यादा हो गया मैं अभी भी वही टाइम को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा हूँ, लाइक मैं दोपहर के 1 बजे वीडियो डालता हूँ, तो लोगों को पता है कि ये वीडियो आएगी तो इंसेक्ट के चैनल पे 1 बजे आएगी, बड़ी मुश्किल चीज है उसको, अगर किसी ने संभाल लिया ना तो भाई बस फिर उसको रोक नहीं सकता, लेकिन वो एक टाइम का जो रहता है ना कॉन्सेप्ट, देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा भी बहुत मुश्किल से चलता है, मेरा तभी मैं जॉब देख रहा हूँ तो मेरा टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, अब दिक्कत हो रही है बट अब करना पड़ रहा है क्योंकि उस लेवल पे गई नहीं है, लेकिन वो उस हिसाब से लाइक किसी को भी पॉसिबल नहीं है कि एक सर्टन टाइम लिमिट
पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, हाँ थोड़ा सा टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, लाइक पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, मैंने वो पॉसिबल करा था ना, मैं बता देता हूँ कि कैसे करा था। एग्जाम्पल, आज मैंने रिकॉर्ड करा, ठीक है, आज मेरे शाम तक रिकॉर्डिंग खत्म, ठीक है, और फिर जब रात हो रहा है, मैं डेली रात को एडिटिंग पे बैठता हूँ, मैं लाइक अभी भी मेरा कुछ 4 लाख आई थिंक हो गया है, बट मैं अभी भी एडिटिंग करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, मैं हर चीज खुद करता हूँ, मैं ना तो एडिटर रखा ना कुछ भी, तो मैं खुद करता हूँ, ठीक है, तो मैं रात तक वो एडिटिंग डन कर लेता हूँ, तो ठीक है, रात के 4-5 बजे तक मैं एडिट करता हूँ, डन कर लेता हूँ, उसी टाइम अपलोड कर देता हूँ, थंबनेल बना के एंड ऑल अपलोड कर देता हूँ नेक्स्ट डे 1 बजे पे, समझ रहे हो। तो ऐसे मेरे को ये टाइम, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 महीने बहुत तकलीफ हुई है ना, मतलब नींद आती थी, मन नहीं होता था, ऐसे होता था, बट वो फॉलो करते करते ना वो मेरे हैबिट पे बैठ गई, समझ रहे हो, तो अब वहां से वो चीज हुई। आई मीन इम्पॉसिबल नहीं है यार, सब कुछ इजी आसान है। संदीप सर भी ऐसे बोलते, सब कुछ आसान है। संदीप महेश्वरी, अरे भाई 100 के होने के बाद कैसा लगा था जब पहली बार 100 जाओ? अरे मैं तो बटन आप तो जो पीछे है लदा हुआ वो जब हाथ में आया, ऑब्वियसली बहुत बहुत बढ़िया चीज। अरे मैं तो भाई इमोशनल हो गया था, क्योंकि ये मेरा लाइक इतना बड़ा ड्रीम था कि लाइक मुझे लगता था कि यार कभी हो भी पाएगा, लाइक चैनल एक बार 10,000 सब्सक्राइबर आने के बाद 10 व्यूज पे आ गया चैनल, ठीक है, तो किसी को लाइक मुझे लगा था ये नहीं होगा, एंड मेरे आसपास सब लोग बोलते भी थे मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, अभी ये तेरा चैनल नहीं उठेगा, एंड ये ऐसे दोस्त, हाँ, और एक्चुअली ऐसे दोस्तों को ना लाइक लाइफ में रखना भी नहीं चाहिए। दिमाग पे बड़ा वो फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है फिर, मतलब हमारा माइंड भी ऐसे चीजों से ट्रेंड है ना कि हम उनकी बातों में यकीन करना शुरू कर देते हैं। इवन मतलब मेरे घर के आजू बाजू जो फ्रेंड्स है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, पड़ोसी में है ना, मतलब थोड़ा दूर 10-15, वो लोग भी लाइक ऐसे बोलते थे अरे ये चैनल नहीं उठेगा तो दूसरा बना, बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है कोई चैनल यूट्यूब में डेड नहीं होता है, समझ रहे हो, कोई भी चैनल वो उठेगा ही उठेगा, बट तुमको समझना पड़ेगा कि कैसे उठेगा। तो लाइक उसमें डेफिनेटली यार किसी को भी लाइक वो उस जगह पे आके कोई उठेगा, है ना। घर वालों का क्या सीन था, रिएक्शन था, उन मतलब उन तो जब पता चला कि आप यूट्यूब करते हो, या आपने बताया कैसे उनको, तो कैसे पता है अभी कि आप यूट्यूब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो करते हो? हाँ डेफिनेटली पता है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से, आई मीन मेरा मॉम मेरे को ऑल टाइम सपोर्ट करता है, बट मैं पूरा घर का बोलूँ तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था, ठीक है, बोलते ये सब मत कर, एंड इवन मैंने तो लाइक एक पंगा भी ले लिया था कि मैं 12th के बाद पढ़ाई भी छोड़ दिया था कि मुझे करना, समझ रहे हो कि, और लाइक ये सब पे अगर नहीं होता तो, अगर 12th के बाद कोई बंदा अगर पढ़ाई छोड़ रहा है ना, तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो मैंने छोड़ दिया था, एंड फिर घर पे बताया था, वो बोल रहे ये फालतू का चीज़ है एंड ऑल, जैसे सबका होता है, क्या होगा ये सब करके, है ना, तो इसलिए मैंने फिर उनकी बातों को सुनता था, कभी कभी रोना आता था, रो लेता था कि यार घर पे घर वाले ऐसे लाइक बोल रहे, बट हाँ मैं मेरे काम पे लाइक करता रहता था, है ना, और मतलब मेरे को 10-20-100 जितने भी लोग देखते थे, मैं सोचता था भाई मेरे सामने 10 से 100 लोग खड़े हुए हैं, सोचो मेरे को देख रहे, तो लाइक ऐसे सोचता था, तो बड़ी मोटिवेशन मिलती थी, समझ रहे हो। तो फिर वहां से मैं करते करते जब 1 लाख हुआ, ठीक है, 1 लाख पे तो भाई मैं लिटरली मतलब खुशी के बारे चीख रहा था कि अरे कर डाला मैं इसकी। तो फिर उसका उनको भी अच्छा धीरे धीरे समझ में आ गया कि हाँ नहीं इसमें होता है एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ से आती है भी होती है, एंड बंदा एक जगह पे भी गया है, तो अभी घर से भी सपोर्ट है एंड ऑल, कोई मेरे को कुछ बोलता नहीं, लाइक मेरा तो 24/7 यहाँ पे टाइम जाता है इधर ही। उन दोस्तों को वो मीम करी क्या, अब बोल ना, अब बोल। अरे उनको बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम खराब करूं, उनको वैसे ही समझ आ गया। अरे हाँ मतलब नेगेटिव दोस्तों को हमेशा जितना हो सके दूर रखो, भले आपके लाइफ में कोई दोस्त ना रहा है बहुत बढ़िया है, लेकिन नेगेटिव दोस्तों से बढ़िया है कि आप अकेले रहो, है ना, नेगेटिव लोगों से, तो उनसे दूर दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी थे यार, उनको मैंने भगाया है भाई कि भाई प्लीज आप चले जाओ मेरे लाइफ से। तो यार मतलब कैसा लगता है यार, रोज उठ रहे हो, लाइक ऑब्वियसली वीडियो बनाना है डालना है, ये काम एक तरीके से जॉब ही हो चुका है, पर कैसा लगता है जब आप देखते हो कि भाई सब कुछ है यार, सब सही चल रहा है, किस चीज की कमी लगती है आपको कि यार शेट ये करना रह गया यार? देखो कमी पे देखेंगे तो लाइक सभी कमी ही कमी है ना, कमी को देखूंगा तो मेरे लाइफ में कमी ही कमी है,
जैसे आए यार ठीक है मेरा भी 4 लाख हो गया यार, 1 मिलियन कब होगा उसका, तो यार 1 मिलियन हुआ पड़ा है यार, मेरा कब होगा, ठीक है। तो ये कमी तो कभी भी भाई पूरा नहीं हो सकता है। बट कमी तो बोलूँ, देखो ऐसे में देखूँ तो बहुत सारी कमियां हैं, और नहीं देखूँ तो है नहीं, लाइक जितना सोचा था उससे ज्यादा है। इवन मैं आपको बताऊँ तो लाइक मेरे, मैंने सोचा था कि 2021 में मैं एटलीस्ट मेरे चैनल पे यार कुछ हो ना हो 50,000 सब्सक्राइबर करूंगा, और हर वीडियो 5 से 10,000 व्यूज आए तो भाई मैं खुश हूँ। तो वहां पे मेरे 2021 पे 4 लाख सब्स हो गए, ठीक है। एंड हर वीडियो लाखों में, लाइक ये तो मैं बोलता हूँ लाइक कोई ऊपर वाले की भाई कृपा है यार, और ये ऑडियंस की प्यार है यार। सीरियसली अभी भाई देखता हूँ ये माइनक्राफ्ट जो गेम है, तो समझना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने हाल ही में शुरू करा है, तो मेरे तो मेरे दोस्तों की जरूरत पड़ती है जो रेगुलरली खेलते हैं और एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे तो अकेले जब मैं खेलने लगता हूँ ना तो मेरे तो डर लगता है, क्योंकि तो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ मेरे तो आ कुछ नहीं रहा उस गेम में, तो वो बोल रहे तो वो समझ नहीं रहे कि क्या बोल रहे हो, क्या करना है, क्या माइंड करना है, क्या घर कैसे बनाते हैं, तो मुझे उनकी जरूरत पड़ती है। तो इनिशियली आपको तो किसी की जरूरत पड़ी थी माइनक्राफ्ट सीखने में आप वीडियोस बनाते? देखो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे लिए एक लाइक वो लोग थे जो लाइक वो किसी के पास रहे ना भाई, उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। माइनक्राफ्ट सीखने के लिए वो सोचता है मेरा ये दोस्त खेलता है मुझे ये सिखा दे, मैं बोलता हूँ इसकी जरूरत है ही नहीं, ठीक है तुम माइनक्राफ्ट खुद खेलो। अरे तुमको देखने वाले 5 से 6 लोग तो मिल जाएंगे ना, 5 से 6 लोग मतलब भाई वो ऑडियंस जो माइनक्राफ्ट खेलती है मैच से रहते हैं वो उतने ही आते हैं एक्चुअली। हाँ तो वो आ जाएगा ना, तो तुम लाइव स्ट्रीम करो एंड वो 5 लोग आएंगे उनको तुम ले लो अपने साथ, एक सर्वर बनाओ, वो लोग खुद सिखा देंगे। मुझे तो सब्सक्राइबरों ने सिखाया माइनक्राफ्ट, लिट ऑनेस्टली बता रहा हूँ बाई गॉड, मतलब ऑनेस्टली मुझे सब्सक्राइबर ने सिखाया ये क्या होता है, एन्चेंटिंग क्या होती है, ये गेम क्या होता है, नहीं मैं सब्सक्राइबर्स हूं उनको ही ला रहा हूं डिस्कॉर्ड पे, भाई तुम लोग आ जाओ सीखना है तो सब्सक्राइबर से सीखो, क्योंकि उनसे बढ़िया भाई किसी को नहीं पता होती है, बताएगा नहीं आपको। हाँ वो तो अपना धंधा बंद करने जा सोचेगा। हाँ वही भाई, कोई तुमको नहीं सिखाएगा, जो सब्सक्राइबर होते हैं वो तुमको लाइक भाई की तरह ऐसे सिखा देगा, है ना, मतलब मेरे को तो हाथ पे पकड़ के ऐसे सिखाया है कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो लाइक उसी की जरूरत पड़ती है। मैं बताता हूँ भाई मेरे को हाथ पकड़ो, हर चीज मेरे को बताओ, वो मेरे तो बोलते तेरे तो आता नहीं क्या, मैं बोल रहा भाई मैं रोज नहीं खेलता, मैं खेलता ही नहीं था इधर, मैं पहली बार। और मैं और मेरा ये था कि लोग मेरे को जो सिखाते थे, और मैं डेली लाइक डेली तो मैं 7-8 घंटे 10 घंटे खेलता था। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि ये जाके खेलो इतना घंटे, सही नहीं होता है, बट वो मैं खेलता था, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा इशू भी हुआ है, मेरी आईज में भी दिक्कत हो गई है लाइक बहुत टाइम से, तो अब मैं क्या डेली खेलता था, मैं छोड़ता नहीं था, क्योंकि माइंड का मुझे ऐसे नशा टाइप का हो गया था, समझ रहे। और वो ही कोई भी काम या कोई भी चीज में नशा होना चाहिए, लाइक उसमें नशा होता है ना तो लाइक नेक्स्ट लेवल फिर आगे तुम बढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें नशा होना चाहिए, तुमको डूब जाना चाहिए उसके अंदर, पागलपन होना चाहिए इधर, मैं तो ये कहूंगा। और किसी भी चीज में लाइक अगर तुम डूब रहे हो वो चीज वैसा भी देखो कि वो कहां तक चलेगी। जैसे माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है 2008 से आई थिंक चल रही है समथिंग, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, बट 10-12-13 साल से वो चल रही है, ठीक है। वो गेम अभी तक उसका ट्रेंड नहीं गया है, ऐसा होता है कि हाँ मतलब उसकी रीच अप डाउन होती है, बट उसकी ट्रेंड नहीं गई लाइक, क्योंकि वो गेम में है ही ऐसी चीज यार, मतलब क्या बोलूं, न्यू चीज आती रहती है, लोग न्यू अपनी टैलेंट दिखाते रहते हैं, बनती रहती है चीज, तो भाई मतलब इतनी मैं खुद ऐसे देखता हूँ ना, मैं खुद चौंक जाता हूँ मेरे जब सब्सक्राइबर करते हैं जो पानी लाते हैं, मैं ऐसे अरे भाई तूने पानी कैसे लाया, तो बताते हैं ये ले ये बकेट ले इसमें से पानी ऐसे लेते हैं, तो मैं थोड़ा देख के हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो नई चीज़ है, अब जो खेल रहे हैं उनके लिए वो नॉर्मल सी बात है। और इवन लाइक ये भी बात है कि लाइक माइनक्राफ्ट जब मैं खेलता था, ठीक है, टेक्सचर पैक एंड ऑल ये सब बनाते बनाते ना, वो ईशान भाई एंड ऑल इनके ऊपर, ठीक है, बनाते बनाते मैं ऑनेस्टली बोला मैं बोर हो गया था यार, उससे थोड़ी ना चैनल चलती है, उससे तुमको इनिशियली कुछ ऑडियंस मिलती है। मेरे व्यूज तो उधर वो ईशान भाई का नाम लेके 50,000-1 लाख भी जाती थी, लेकिन वहां से मेरे ऑडियंस आता था 100-50, समझ रहे हो, तो अब उससे चलता नहीं था। फिर उसका बहुत सारा ट्रेंड आया माइनक्राफ्ट 100 डेज, अगर याद होगा तो बहुत हाइप हुआ था, ठीक है, ये फॉरेन से आया था ये ट्रेंड, ज्यादातर मतलब फॉरेन से आती है, ठीक है, तो ये फॉरेन से आया था ये ट्रेंड। एंड फिर उसके बाद लाइक 100 डेज पे मैंने बहुत ट्राई करा, ठीक है, नहीं चला, 1-2 वीडियो 1-2 हजार व्यूज गई, नहीं चला। उसके बाद पता नहीं कुछ और एक ट्रेंड आया था, वन ब्लॉक बहुत चला था, बहुत
ठीक है, वन ब्लॉक आया था वो भी करा, नहीं चला। ऐसे मैंने चार पांच चीजें ट्राई करी, फिर GTA 5 में वो मॉड्स डाल के जैसे टेक्नो गेमर्स करते थे वो भी ट्राई करा, माँ के यहाँ वो भी नहीं चला। तो लाइक इतने सारे फेलियर के बाद फिर मैं देखा यार ऐसा क्या कर सकता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा रिसर्च विचर्च करने लगा तो मुझे ऐसे माइनक्राफ्ट में ना प्रैंक वीडियो दिखने लगी, ठीक है। तो फिर मैं ना जाके महंगा पड़ा है उसके बारे में आज बात करेंगे, वैसे मैंने कमेंट पढ़ी है आपके लोगों। वो तो अलग बात है। तो क्या हुआ था कि प्रैंक का देख के तो मैंने कहा यार मैं जो बंदा हूँ लाइक बहुत ज्यादा हंसता हूँ एंड मैं हंसा भी सकता हूँ लोगों को, ठीक है। और मुझे जैसे माइनक्राफ्ट में लाइक अभी इस टाइम पे दो ट्रेंड चल रही है इंडिया पे, ठीक है, मतलब जो सब लोग देखना पसंद कर रहे हैं। एक तो ये प्रैंक है ना जो मैं कर रहा हूँ, और एक है मतलब सिर्फ अकेला मैं नहीं और भी लोग हैं जो प्रैंक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। एंड और एक ही वो वॉर SMP रिवेंज एंड ऑल है, ये सब ये भी बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बट मुझे उसमें क्या लगा था कि भाई मैं ही वो वॉर रिवेंज इस पे ना मैं कर नहीं सकता। मैंने ट्राई किया था और भाई फ्रेंकली बता रहा हूँ 1-2 लाख व्यूज आए थे, ठीक है, हार्डली। और मुझे उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा था, बहुत मेहनत लग रही थी। तो फिर मैंने बोला यार ये मेरे से नहीं होगा, और मैं भाई क्या चीज कर सकता हूँ कि लाइक मैं ना हंसा सकता हूँ। वो हंसाना सबसे बड़ी चीज होती है कि लोगों को तुम हंसा पाओ ना एक्चुअल में, लोग हंस रहे हैं तो आपने लाइक जीत लिया। तो वो फिर मैं बोला यार जो प्रैंक है ना, मैं वैसे भी मेरे रियल लाइफ में दोस्तों की बड़ी टांग खींचता हूँ कि कभी उनके लिए यहाँ पे दरवाजा के ऊपर ये कर दिया वो कर दिया ये वो प्रैंक वगैरह। तो वहां से मैं आइडिया निकला यार चलो माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसा कुछ करते ना कि भैंस की जो कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। तो फिर यही बात है, बहुत माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है कि आपकी हेल्प करता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का। Like, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी तुम आइडिया या कंटेंट सोचो उस पर थोड़ा सा I mean, मेरे को टाइम दो तो मैं उस पर एक पूरी स्टोरी बना के दे सकता हूँ, लाइक प्रैंक वगैरह एंड ऑल। क्योंकि ये गेम खेलने के लिए मैं कभी भी बोर नहीं होता था, ठीक है। GTA 5 ऑन एंड ऑल ये क्या था, ठीक है चलो मॉड डाला एक स्टोरी सोचा बना दिया चलो खत्म। लेकिन इस पे क्या था, मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं मुझे ये खेलने में मजा आता है। अरे यार कभी सैड हूँ, ठीक है, कभी सैड हूँ, कभी मूड ठीक नहीं है, ठीक है एंड ऑल। इवन 2021 में मेरा वैसे एक वो हुआ था कि लाइक एक ब्रेकडाउन ऑन ऑल ये सब हुआ था, ठीक है। तो उसके वहां से निकलने में मेरे को माइनक्राफ्ट ने बड़ी हेल्प करी थी, समझ रहे हो। तो वो माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है ना कि लाइक मैं खेल रहा हूँ समुंदर में सामने बैठा हूँ ये इधर घूम रहा हूँ, मतलब उसमें मैं बोर नहीं होता था। जो माइनक्राफ्ट चिल करने के लिए ना और मस्ती करने के लिए गेम बड़ा सही है, आपका पूरा माइंड रिफ्रेश कर देता है। या तो इसलिए कि लाइक उस गेम की ना ग्राफिक्स पे नहीं जानी चाहिए ना। मेरे को मैं जब ग्रो रहा तो मेरे को बहुत सारे ऐसे बोल रहे थे अरे माइनक्राफ्ट में ना चैनल चल जाता है लेकिन ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं मिल पाती। मिलके बैठिए देख ले लाइक घमंड नहीं कर रहा हूँ बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मिलती है भाई। तुम वो रास्ते पे करोगे तो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना। अब आगे जाके वो अलग बात है। माय तरफ मैं जब खेल रहा था ना, मैं स्ट्रीम कर रहा था, मेरा तो यकीन ही नहीं हुआ अरे भाई 2 घंटे हो गए मैं खेल रहा हूँ अपना मस्ती में। भाई तुम भाई मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ। अरे तुमको मैं लाइक मेरी एक बात बताऊ, वो याद नहीं, आई थिंक ये 2020 की बात है, हाईएस्ट खेला था 26 आवर कंटिन्यू 26 आवर खेला था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब यहाँ से उठा ही नहीं, मतलब ये तो मेरा रूम नहीं था आई थिंक, अगर तुमने देखा होगा। नहीं नहीं वो वीडियो अभी है नहीं, प्राइवेट है, ठीक है। तो वो ऐसे एक चेयर होती थी, वो ऐसा नहीं कि मैं खाने भी जा रहा था वॉशरूम जा रहा था हर जगह जा रहा था, लेकिन 26 आवर समथिंग या ऐसा कुछ मैं खेला था, समझ रहे हो, एक मॉडर्न हाउस बनाने में स्टार्टिंग। तो बहुत तो लाइक माइनक्राफ्ट इज ओपी यार, लाइक इसमें जो मजा आता है ना लाइक नेक्स्ट जेन मजा आता है लिटरली। अभी मैं जो बात करने जाने वाला हूँ ये माइनक्राफ्ट के रिलेटेड ही है। देखा जाए तो अभी वेब 3 गेम्स जो है, जो कि क्रिप्टो गेमिंग एक कॉन्सेप्ट है, अभी नया अभी आया नहीं है ऊपर की तरह, बहुत धीरे धीरे आ रहा है लेकिन आ रहा है। तो उसमें ऐसा रहता है कि लोग अपना स्किन वगैरह जो हम इन गेम स्किन्स रहते हैं, जैसे माइनक्राफ्ट में आपको कीप इन्वेंटरी ऑन करके रखना पड़ता है, सर्वर बना के रखना पड़ता है ताकि वो चीज़ें सेव्ड रहे। पबजी में लोगों को लाइक पबजी में वही होता है, वही होता था, स्किन लेते थे तो वो बैन होने की वजह से सारा कुछ उनका जो
कमाया हुआ चीजें थे, जो खरीदी हुई चीजें थी, वो सब गायब होते थे। अब हो गया थ्री गेम्स वगैरह है, या अभी BGMI गेम आने वाला है, आने वाली की बात चल रही है, तो इससे माइनक्राफ्ट को कितना अफेक्ट हो सकता है उसकी ग्रोथ को, आपके हिसाब से क्या लगता है? जो लोग चल पाएगा ये माइनक्राफ्ट अभी, क्योंकि बहुत गेम्स आने वाले आने वाले टाइम में मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली। देखो जो पबजी की मैं बात मान लूं, पबजी की हर टाइप के ऑडियंस है। तुम गांव पे भी जाओ, ठीक है, जो बंदा लाइक रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, वो भी पबजी खेलते हैं, वो माइनक्राफ्ट नहीं खेलेगा, ठीक है। तो माइनक्राफ्ट की जो ऑडियंस है ना, वो स्पेसिफिक ऑडियंस है, समझ रहे हो? मैं अब पबजी को बुराई नहीं कर रहा हूँ या उनको वो नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं होता माइनक्राफ्ट, क्योंकि माइनक्राफ्ट पे बहुत डिफिकल्ट होता है। भाई मेरी तो फट गई थी यार मोबाइल पे खेलना फट गई थी। पीसी ऊपर से अच्छा पीसी तो वो सब तो पॉसिबल नहीं होता कि एक पीसी हो, मोबाइल हाँ सभी के पास होता है। और माइनक्राफ्ट में टाइम देना पड़ेगा, पबजी ये जो बैटल रॉयल गेम होता है, इनकी कॉन्सेप्ट बहुत लाइक इजी है, बहुत आसान होती है। और मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं भी एक टाइम पे पबजी का बहुत ज्यादा लाइक वो था, एडिक्ट था, बट वो कुछ टाइम के लिए था, 2-3 महीने के लिए, उसके बाद मेरे को पबजी पे मजा नहीं आया और मैं पबजी का प्लेयर भी नहीं हूँ, समझ रहे हो? मैं नहीं हूँ, बट ये जो माइनक्राफ्ट है ना, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये हो सकता है कि सोचो कि एक कोई ऐसा, जैसे अभी रिसेंटली गेम आया ना चूचू चार्ल्स, हाँ वो पीसी के लिए बहुत बड़ा गेम है और महंगा भी है स्टीम पे, मैं जानता हूँ, और वो बहुत एपिक गेम है, ठीक है। तो क्या है कि वो गेम आया ना, एकदम से इतना हाइप हुआ ना कि बाकी जो दूसरे गेम है जैसे माइनक्राफ्ट ऑन, इन पे थोड़ा सा रीच डाउन है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में आया है, ठीक है, ये बाहर पे भी आया है, समझ रहे हो? तो अब ये चीज तो होगी, एग्जाम्पल की ऐसा एक बहुत बढ़िया गेम आया, ठीक है, एग्जाम्पल पबजी ऐसे करके कम बैक करा कि लो फाड़ दिया, ठीक है, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने 3 महीने, ठीक है, उस टाइम के लिए में भी हो सकता है कि तुम माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, बट लॉन्ग टाइम में नहीं होगा, नहीं हो, क्योंकि इसकी ऑडियंस ही स्पेसिफिक है ना। लाइक वो होता है कि तुम अगर बाहर कहीं घूमने गए हो तो तुमको वापिस कहाँ आना है, घर पे ही ना, तो माइनक्राफ्ट जो है ना वो घर है, घर पे ही आना है घूम के। भाई इसके टाइम पे ना क्रिएटर्स का भी ऐसा हो जाए, एक ग्रुप बन चुका है, ग्रुप में किसी को लाना नहीं चाहते नए लोगों को, उसमें टिकना भी बहुत मुश्किल है। ये तरीके से अब जैसे तो नेपोटिज्म बन रही है तरफ के क्रिएटर्स के बीच में, अब आपको ऐसा फील नहीं होता कि कॉम्पिटिशन हो रही है कि आप, क्योंकि आप ना ये, मतलब मैंने आप तो किसी SMP में खेलते हुए नहीं देखा, तो इसी बात पे तो तुमको लाइक जवाब मिल जाएगा कि मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। मैंने तो इसीलिए तो लाइक मैंने ऐसा जॉनरा चुना जो ऐसा चीज चुना, प्रैंक पे लाइक बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस पे करता हूँ ना वो बहुत शायद तुमको देखेगा इंडिया में कोई करते हुए, आप अपनी कंपटीशन है ही नहीं, मेरे लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं, ना तो किसी के साथ ना किसी के कंटेंट एंड ऑल। अगर मेरी कंपटीशन कोई है तो लाइक वो लाइक फॉरेन वगैरह उनसे, इंडिया में तो किसी से नहीं। वो तो बहुत बड़ी है, फॉरेन वालों के साथ कंपटीशन रखने में मजा बहुत आता है। इससे ये नहीं कि मैं उसको हरा दूंगा या पीछे छोड़ दूंगा या मैं पीछे रह जाऊंगा, आपको ही उस समय सीखने को मिलेगा ना लाइक वहां से कि अरे यार इसने ये करा, यहाँ से मैं ये चीज सीख लिया, लाइक समझ रहे हो? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, तो इसलिए मैं उनके साथ वैसा कंपटीशन वर्ड यूज करता हूँ, बट वो क्या है कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अभी जो मैं पूछूंगा ना, अभी जो सब क्वेश्चन है वो मैंने आज तक किसी यूट्यूबर को पूछा नहीं है, थोड़ा पर्सनल टच हो जरा। लेटेस्ट वीडियो देखा था, उसमें कमेंट में किसी अपने यूजर ने, मेरा तो नाम नहीं आता, बट उन्होंने कमेंट करा था कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ वीडियोस नहीं बनाती है, क्या हो गया है, ब्रेकअप हो गया, कुछ हुआ है क्या? अरे ये क्या पूछ ले? अरे सीन, आई मीन क्या ही बोलूं मैं इस पे, तो लाइक लोगों के बहुत डिमांड थी, ठीक है, मेरी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इसी की थी, समझ रहे हो? क्योंकि इस चीज की मैंने हाइप ऐसे बनाई थी ना, लाइक लोग गर्लफ्रेंड एंड ऑल ये सब टॉपिक पे कौन सा वीडियो देखना पसंद करते थे, जो वाइंस कॉमेडी होते हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे सीन या ऐसे ऐसे जोक्स रहते हैं जो फैमिली के साथ लोग नहीं देख सकते थे, समझ रहे हो? तो मैंने वो चीज माइनक्राफ्ट में ऐसा करा कि तुम फैमिली के या किसी के साथ भी कहीं भी देखो, देख सकते हो गर्लफ्रेंड के साथ। तो मैंने ऐसे पूरा एक चीज को पूरा बनाया था, ठीक है, पूरा ऐसे सोच ऐसे करके करा, तो उसके बाद मैं प्रैंक वगैरह करता था, एंड रिसेंट एक प्रैंक करा, ठीक है, देखो मजाक मजाक होती है,
है ना, उसको तुम अगर नहीं समझो तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो मजाक तो मैंने एक प्रैंक करा उस वीडियो पे। स्टार्टिंग में ऐसा भी था कि उसने मेरे को थोड़ा सा जलस फील आया, ऐसे करवाया, ठीक है, मैं उससे कुछ माइंड नहीं किया। तो मैंने जब ऐसे प्रैंक करा तो उसकी बहुत बुरी वाली जली, ठीक है नॉल। उसके बाद बोला मुझे बात नहीं करना है ना ऐसे, ना तुम्हारे साथ कोई खेलना वेलना है नॉल, फिर गई। अब मैं थोड़ा मनाने की कोशिश भी किया बट नहीं सुनी, तो मैं अब क्या ही बोलूँ। लाइक अब मेरे से होता भी नहीं कि लाइक मैं किसी के पीछे ऐसे भागता रहूँ कि अरे तुम आ जाओ है ना, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, मैंने बहुत मनाने की कोशिश करी बट नहीं सुनी। लाइक उसको अलग ही बोला नहीं करना यार तुम जाओ, ये वो। कितना डरता है पर्सनल इश्यूज आपके प्रोफेशनल लाइफ और करियर में, कितना अफेक्ट करता है और कितना मायने रखता है? मैं मेरे काम को एक लाइक मेरा जो पर्सनल लाइफ है एंड जो मेरा काम है वो ना ऐसे लाइक सोचो कि ये एक बॉक्स है एंड ये एक बॉक्स है, ये मेरा पर्सनल बॉक्स है तो ये प्रोफेशनल काम का है, ठीक है, ये यूट्यूब का है। तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो मुझे इफेक्ट करता है, मुझे बुरा लगता है, मैं सैड होता हूँ, मैं रोता भी हूँ, ठीक है, मैं डिप्रेशन में भी जाता हूँ। लेकिन मैं कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कभी इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मैंने दोनों चीज को अलग रख दिया है, समझ रहे हो, दोनों चीज पूरा अलग है, मुझे कोई इफेक्ट नहीं करता है बट एक साइड से इफेक्ट करता है बहुत सारा। जो मैं भी थोड़ी देर पहले मैं उसी जो मैंने बात करी थ्रिएटर्स के बारे में जो ग्रुप बनाते हैं, मैं वापस उसी पे आना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्टैंड अलोन एजेंसी और थ्रिएटर्स ग्रुप दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है एक इंडिविजुअल थिएटर को ग्रो करने के लिए। थिएटर्स है माइनक्राफ्ट के, वो एक ग्रुप बनाते हैं, SMP बनाते हैं, उसमें ही खेल रहे हैं, और एक बंदा है जो अकेले वीडियोज़ बना रहे हैं, ना किसी ग्रुप में है ना किसी SMP में, वो बंदा खुद से ही वीडियोज़ बना रहा है, तो उसको कितना मतलब अगर वो सोचेगा कि भैया मेरे को वीडियो बनानी है, मेरे को जल्दी ग्रो करना है, तो वो क्या सिलेक्ट करना चाहेगा और क्या उसको इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में ग्रो करने के लिए एज ए क्रिएटर, उसमें जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा बेहतर होगा या इंडिविजुअल कंटेंट बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, उसने क्या करना चाहिए? दोनों का अलग अलग फ़ायदा है, समझ रहे हो। जो मैं पहले इन वो आता हूँ कि लाइक ग्रुप में कर रहे हो तो एग्जांपल मेरे साथ एक बंदा आया वो कर रहा है, ठीक है, अब मेरे पास ऑडियंस है, ठीक है, उसके पास मैं भी हो सकता है कम है, तो वो आया वो मेरे साथ कर रहा है तो मेरी ऑडियंस उसके पास जाएगी। लेकिन तो ऐसे उससे उसको क्या फायदा है, शॉर्ट टाइम में उसको ऑडियंस तो मिल जाएगी लेकिन उसको उसकी ऑडियंस नहीं मिली, मेरी ऑडियंस उसके पास गई। तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स है ना यहाँ पे ऑडियंस मतलब डिवाइड होती है, समझ रही हूँ। तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि लाइक तुमको ऑडियंस की लाइक उतनी कमी नहीं पड़ेगी या ऑडियंस को उतना वो नहीं होगा, लाइक तुमको हर टाइप के ऑडियंस मतलब गेमिंग इंसर्ट की भी ऑडियंस मिल रही है, घोस्ट गेमिंग की भी ऑडियंस मिल रही है, लाइक और भी यूट्यूबर्स है लाइक MC फ्लेम, ठीक है, उसके भी ऑडियंस मिल रही है, ठीक है। तो इतनी सारी मैं ग्रुप में हूँ तो उसको इतने सारे क्रिएटर की ऑडियंस मिल रही है, ठीक है, तो उसको एक अच्छी बात है कि वहाँ से वो अच्छा ग्रो हो पाएगा शॉर्ट टाइम में। लेकिन अब बात अगर लाइक मेरे जैसे बंदे की बात आ जाती है इंडिविजुअल तो यहाँ पे फटते बहुत है, लॉन्ग टाइम में वो बड़ा दिक्कत देता है, क्या पता वो गारंटी नहीं रहती कि वो आपके साथ रहेगी। आज जैसे हीरो ब्राइन SMP मान लो ना, जैसे हीरो ब्राइन अभी तो ठीक है चलो डिक्लेयर हो गया तो मैं ये चीज बता सकता हूँ, ठीक है, कि हीरो ब्राइन SMP, ठीक है, मुझे ये पता चल गया था। जैसे उज्जवल भाई ने तो अभी वीडियो डाला ना, मुझे पहले से पता चल गया था कि ये नहीं आने वाला, ठीक है ना, अंदर से जो भी है पता चल गया तो नहीं आने। तो अब ये क्या था, यहाँ ये बहुत बड़ी ग्रुप थी ना, बहुत हाइप था, लेकिन क्या हुआ सब लोग अपने काम में बिजी हो गए तो सब अलग अलग हो गए, अब नहीं चलने वाली। तो जिसको अभी तो सबको अपना काम संभालना है ना, मतलब एंड ऑफ द डे तुमको इंडिपेंडेंट पे काम करना है, समझ रहे हो, तो ये बात है कि एंड ऑफ द डे तुमको इंडिपेंडेंट होके ही काम करना है। मतलब आपने अगर देखा है ना तो टेक्नोलॉजी में से ऑडियंस भाई खतरनाक ऑडियंस है, लाइक उन्होंने अभी नया चैनल बनाया टेक्नो नाम का, एक वीडियो डालते ही बंदे के 2 लाख सब्सक्राइबर या अभी तो उससे ज्यादा भी हो चुके रहेंगे दिन के अंदर 2 लाख, क्योंकि भाई उसके ऑडियंस ना लाइक सिर्फ उज्जवल को देखने के लिए आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो बनाने में निकल जाती है, बहुत मेहनत है, बहुत भाई उज्जवल ने नेक्स्ट लेवल भाई मेहनत किया, लाइक उससे बहुत कुछ सीखने को लाइक है, बहुत टोटल गेमिंग और उज्जवल के जो अगर आप वीडियो व्यूज को अगर आप काउंट करोगे ना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है,
सब्सक्राइबर दोनों की काफी पास पास आसपास ही है, लेकिन व्यूज जो है टेक्नोलॉजी में तो बहुत आते हैं। हाँ, क्योंकि वो अलग है ना पूरी जॉनर, वो तो सिर्फ फ्री फायर का क्रिएटर है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ऑडियंस को लाइक उसने ट्रांसफर किया है ना, हर चीज में देखी उसने, उस लेवल पे अपग्रेड किया है। और मैं मतलब वो इंडिविजुअल जो बोल रहा था उस पर बोल दो कि लाइक इंडिविजुअल पे अगर करना चाहते हो उस पर तुमको एक ऐसा खुशी मिलेगा, एक ऐसा मजा आता है ना लाइक हर डेली यार जो किया है मैंने अकेला किया है। और एक साइड से देखा जाए तुम अकेला नहीं किया यार, तुम्हारे साथ भगवान ने भी हेल्प किया है, ठीक है। ये मैं भी तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है जो हेल्प किया है, या इतनी सारी ऑडियंस हेल्प किया है, बट जो वीडियो एडिटर्स ये भी तो होते हैं एक्चुअली, ये भी मैं नहीं, बट स्टार्टिंग में नहीं होते ना, मैं मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। तो एक साइड से देखा जाए कि हाँ तुमने अकेला किया, कि हाँ मतलब किसी की हेल्प नहीं ली। जैसे मेरे जब 10,000-8,000 ऐसे सब्स थे ना, मेरे फ्रेंडशिप थे, एक दो फ्रेंड थे जिसका 2 लाख सब्स थे, एक का 3 लाख सब्स थे, उनके एक्टिव चैनल थी GTA 5 में। उस टाइम में GTA 5 का कंटेंट डालता था, मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दे या मेरे साथ वीडियो बना ले, मैंने कभी नहीं बोला उनको, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं करना। मुझे मैं चाहता हूँ यार एक दो साल लेट सक्सेस मुझे मिलेगी चलेगा, लेकिन मैं खुद के कंटेंट पे ग्रो हूँ। तो इस पे अब टाइम लगता है, रिस्क भी है, हो सकता है ना हो, लाइक लक पे बात नहीं बोलूंगा, बट क्या है कि तुमको समझनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें, डिटेल में समझनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल में ये फायदा है कि लॉन्ग टाइम में तुमको अलग मजे आने वाला है, और ग्रुप वगैरह में आएगी शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगी। ग्रुप वगैरह देखो सब लोग बिजी होंगे ना, तुम भी कल बिजी हो जाओगे, मैं भी कल बिजी हो जाऊंगा, तो अलग तो हो ही जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। नजर लगने में विश्वास रखते हो? नजर लगने में विश्वास रखते हो मतलब, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली आप एक वीडियो प्लान कर रहे हो और आपको अब सिर्फ आपको पता है कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आप इस इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो कि बैनर वीडियो कमिंग सून, मस्त वीडियो आने वाली है, वो तो कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हो। डालने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी डाल तो दिया है, लेकिन क्या वो पता, क्या पता अगर हुआ नहीं तो, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको, या डर लगता है कि यार जिसकी नजर लग गई तो साला वीडियो नहीं बन पाएगा? डर तो लगती है, लाइक कैसे लगती है कि मेरा चैनल ना उड़ जाए, बस यही डर लगता है, और किसी चीज से डरता नहीं हूँ। तो देखो मुझे एक्चुअली ये नजर वगैरह पे, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मुझे नजर वगैरह इन पे मानता तो मेरा तो आज क्या हाल हो जाता, समझ लो। अगर नजर लगने पे अगर कुछ बुरा होता तो मेरी तो आज तो वाट लग जाती। अरे मेरे जितने पास पॉजिटिव फ्रेंड या पॉजिटिव हो रही है ना भाई, इतने सारे रहना जो हेट देते हैं या मेरे को मेरे पीठ पीछे इतने सारे उल्टे बोलते हैं ना, अगर उनकी नजर लगती और कुछ होता तो मेरा तो आज वांदे लग जाता आज तक। तो इन सब पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मेरे काम पे बिलीव करता हूँ, है ना, कि तुम अपना काम करे जाओ, काम करते रहो, बनाओ अच्छे से, ऑडियंस को मजा दो, खत्म। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। बस यही था जी, डर लगता ही नहीं आपको किसी कंटेंट को, या किसी मतलब किसी भी चीज से डर लाइफ में? वो डर नहीं लगता, बट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड होता हूँ, बट कुछ कुछ कंटेंट ऐसी होती है जो मैं 101% श्योर होता हूँ वो इस लेवल पे जाएगा, और वो जाता भी है, आज तक फेल नहीं हुआ है। और कुछ कुछ पे मैं ऐसा रहता हूँ, अरे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और ऐसे पे बहुत सारा वीडियो हुआ है जो मिलियन भागी है, और बहुत सारा वीडियो ऐसा हुआ है कि 3-4 लाख व्यूज पे रुक गया। तो ऐसा है, डरता वरता वो कि भाई चैनल उड़ जाए तो फिर क्या, खत्म। और डर लोगों को रहना भी चाहिए, और डरता हूँ मैं गलत काम करने पे, डरता हूँ, वो तो सभी होते हैं वैसे, गलत काम करने पे डर होना चाहिए। तो मुझसे अभी तो एंड सेगमेंट आया है पॉडकास्ट। अच्छा, तो बस एक ही मतलब चीज पूछना चाहूंगा, कोई एडवाइस देना चाहोगे आप छोटे क्रिएटर्स को, मेरे जैसे क्रिएटर्स को माइनक्राफ्ट में जो आना चाहते हैं, या बड़े से बड़े क्रिएटर्स को, जो एक ऐसी एडवाइस होती है उनको हेल्प और करेगी उनके ग्रोथ में? तो बड़े क्रिएटर्स को मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो वो है कि लाइक अच्छी बात है कि तुम एक लेवल पे हो सकता है मेरे से भी बड़ा है ना, है ना, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हो सकता है उस लेवल पे हो, बट ऐसा है कि तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वो एक्सपीरियंस को शेयर करो दिल खोल के, है ना, वो तुम यहाँ पे कैसे आए वो रास्ता तुम लोगों को खुल के बता दो, ये बिना सोचे कि यार मैं लोगों को बता दूंगा तो वो लोग कल मेरे को बीट कर देगा, ये सोच बहुत गलत है, गंदी सोच है। तुम लोगों को बता दो, दिल खोल के शेयर करो,
ताकि जो छोटे क्रिएटर्स हैं जो ग्रो होना चाहते हैं उनको एक जरिया या रास्ता दिखे, या वो अपनी फैमिली को भी दिखा सके कि देखो ये है ऐसे ऐसे करके होता है, क्योंकि फैमिली तो समझते नहीं है ना स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये बात है। अगर छोटे ये बड़े क्रिएटर को मैं बोलना चाहूंगा, छोटे क्रिएटर को अगर मैं बोलना चाहूँ, छोटा तो देखो कोई नहीं होता है, बट हाँ एज अ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर एंड व्यूज पे मैं बोलूँ तो, कि व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसकी परवाह करो ही मत, छोड़ दो उसको, डालो डस्टबिन में। ठीक है, यूट्यूब हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त है जिसने बोला यूट्यूब से ना, ये मेरा एक फ्रेंड है जिसने इतना कमाता है या सुना है कितना पैसा आता है, वो भी डालो डस्टबिन में। ठीक है, परवाह मत करो, पैसा कितना आ रहा है, व्यूज कितना आ रहा है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है छोड़ो, तुम बस ये देखो कि तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम बनना चाहते हो टेक्नो गेमर्स की तरह, तुम बनना चाहते हो लाइक, मेरे भी कुछ है जो मेरे को कमेंट करते भाई मैं इंसेक्ट की तरह बनना चाहता हूँ, है ना, कि लाइक ऐसे वो करना हंसाना एंड ऑल। एग्जाम्पल, तुम बनना चाहते हो मेरी तरह, उज्ज्वल की तरह, कोई भी क्रिएटर की तरह, ठीक है, तो उसकी तरह बनना चाहते हो ना, वो क्या क्या करा है वो देखो, ठीक है, और वो देख के वो चीज को तुम करते रहो, लाइक वो वीडियो है ना वो तुम बनाते रहो, तुम डे बाय डे ग्रो करोगे। आज तुमने एक वीडियो डाला, नेक्स्ट वीडियो पे करोगे कि इस पे मैं इससे कुछ बेहतर करूंगा, है, और हर वीडियो, जैसे आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट रहता है कि ये मेरा ऐसा एक वीडियो होने वाली है कि इस पे मैं इतना बेस्ट दे दूं कि कल मेरी कोई और वीडियो नहीं आने वाली। लाइक हो सकता है ना कि मैं कल हूं ना हूं, तो आज कुछ ऐसा वीडियो दे देना है कि लाइक खुद की हर वीडियो पे 101% दो एंड वो वीडियो करते रहो, फुल मजे से करते रहो, है ना, फुल डालो एंड व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सबको छोड़ो, वीडियो बनाओ एंड डालते रहो, वहां से कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जो तुम्हारा आइडल है ना, उनको देखो, उनको देख के देखो कि वो लोग कैसे क्या कर रहे हैं, उनकी भी कुछ बातें होंगी वो सुनो एंड फॉलो करो, हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो बंदा लिटरली 10,000 सब्सक्राइबर था उसका 10 व्यूज आता था, वो अगर यहाँ पे आ सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी आ सकता है। मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, ठीक है, मानता नहीं हूँ, ये प्रैक्टिकल बात भी है, बट हाँ वो पैशन, वो डेडिकेशन होनी चाहिए अंदर, तब हो पाएगी ये। ठीक है, यही बस बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं। मजा आ गया भाई ये वाला पॉडकास्ट, ये वाला पॉडकास्ट देखा जाए तो काफी प्रैक्टिकल नॉलेज पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड था, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि आजकल लोगों का यही हो रहा है, जो जो माइनक्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं, अच्छी बात भी है कि वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए तो खुश होते हैं, बट उनका ऐसे रहता है मोस्टली, यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरा ये नहीं आ रहा, तो वो उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं आज के टाइम पर, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब ना नेगेटिव है, क्योंकि छोटे क्रिएटर्स के लिए इनिशियल फेजिस पे अगर आप ग्रो कर रहे हो तो ये सब देखना भी बहुत ज्यादा। और एक बात भी है कि व्यूज वगैरह मैं जिस लेवल पे झेला हूँ ना, डेली देखता था ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, व्यूज मतलब क्यों नहीं आ रहा है भाई। मैं मतलब तुम्हारे दिमाग पे जो जो आता है वो मेरे दिमाग पे भी आता है, मैं कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं हूँ या मेरे अंदर अलग कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, मैं तुम जो हो मैं वही हूँ। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो आते हैं मेरे अंदर आता था, क्यों ग्रो नहीं हो रहा है मेरा, कब होगा मेरा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यार मैं क्या करूंगा, है ना, मेरा एक्चुअल में होगा क्या, इसका तो हो गया, मे भी हो सकता है कोई मिरेकल हो सकता है इसने पैसे देके अपने चैनल उठवाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब सोचता था, मैं लिटरली ये सब सोचता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम चाहो और उस पर तुम फॉलो करो एंड अपना फोकस रखो तो हो सकता है, बस व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा उसको साइड पर कर दो, उसको साइड कर दो, तब आना एक्चुअल में व्यूज स्टार्ट होगा, जब तुम व्यूज के बारे में सोचना बंद कर दोगे। सही बात है, बहुत ही ज़्यादा सही बात है, क्योंकि वही होता है लड़कियों का भी यही मामला रहता है, लड़कियों के पीछे बात हो जाए तो कोई नहीं आने वाला। ये आपसे लड़कियों अगर गर्लफ्रेंड बनानी है, गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में छोड़ दो सोचना, अपने काम पे फोकस करो, इतनी आगे कि बहस के संभाल नहीं पाओगे। कह रहे हैं हमारे इंसर्ट भैया, इंसर्ट भैया लाल ज्ञान, तो यही है बस, छोटा मोटा इंसेक्ट, छोटा मोटा क्या बड़ा एक अब देख लिया क्या हमारे भैया, हमारे बच्चों का दिमाग भ्रष्ट ना करते हैं। समझ नहीं आ रही, हमने काम में फोकस किया। हमारे इंसेंट भैया के साथ तो पॉडकास्ट होते रहेगा। या सब
इसको गाइस लाइक करो, शेयर करो एंड घोस्ट गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करो सब लोग, एंड बस खत्म अभी बोलो। और गाइस इनसेट भैया के सारे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो करो, 4,70,000 है ना आपके, जल्दी से 1,000,000 करवाना है आप तो, बस हम तो भी देख रहे हैं हमारे इनसेट भैया 10,00,000 सब्सक्राइबर्स पे बैठे हुए, अरे फिर 30,00,000 फिर 80,00,000 अरे तो वो सपोर्ट रहेगा। मैं और मेरे एक एक छोटी सी बात मैं बोलना भूल गया था कि मैं लाइक ऐसे सोचता हूँ कि मेरा आज आज की बात करता हूँ, पास्ट का छोड़ो, आज की करता हूँ तो पास्ट का भी आंसर मिल जाएगा। मेरा 4,00,000 है ना सब, मैं सोचता हूँ मेरा 10,000,000 भी होगा एंड मैं उस लेवल पे भी जाऊंगा जहाँ पे बड़े बड़े लोग भी बैठे, मेरा 4,00,000 लोग सब्स कर सकते हैं तो वो भी लोग आएंगे करने के लिए कभी ना कभी। जब मेरे 10,000 सब्स थे तब भी मैं यही सोचता था 10,000 लोगों ने किया ना वो 1,00,000 भी करेगा, तो वो हो चुका है। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए बस, बस यही है। चलो मजा आ गया लिटरली, मतलब मजा आया मुझे भी बातें, मुझे तो भाई मजा आता है जब मुझे, मैं तो देखता हूँ कि कोई पॉडकास्ट अगर कर रहा हूँ तो मुझे उसमें सीखने के मिल रहा है, क्योंकि वही होता है कि बहुत कम सीखने को मिलता है आपको, पर जब मिलता है तो वो बड़ा सही लगता है, फिर मन नहीं करता कि वो लाइक डिस्कशन फिर पॉडकास्ट पॉडकास्ट नहीं होता, वो ऐसे रहता है कि यार दो लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और हाँ मतलब किसी की बातें भी सुन रहे हो तो लाइक ये नहीं कि बस सुन रहा हूँ मजा आ रहा है ना, उससे देखो क्या सीख रहे हो। जैसे मैंने घोस्ट गेमिंग का भी बात सुन रहा था, वहां से भी मैं एक दो चीजें मतलब मैं हर लोगों से सीखता हूँ है ना, जो हो सकता है जो हरामी लोग हैं मैं उनसे भी सीखता हूँ कि लाइफ में हरामी नहीं बनना है, जो अच्छे उनसे सीखता हूँ कि अच्छा बनना है हर लोगों से सीखता हूँ, यही है बस। मजा आ गया भाई, मजा आ गया इनसेट भैया, धन्यवाद आने के लिए। अरे माय प्लेजर, आने के लिए धन्यवाद। अरे भाई मैं भी गरीब इंसान हूँ। ये वाला पॉडकास्ट बहुत जल्द एडिट होके यूट्यूब पे आ जाएगा एंड स्पॉटिफाई पे भी चले जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। यो बाय बाय।